नमस्कार प्यारे मित्रों, आज की इस सुपर क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख जिलें और जलप्रपात संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन नंबर एक जयसमंद, ऑप्शन नंबर दो सिलिसेड, ऑप्शन नंबर तीन आना सागर, ऑप्शन नंबर चार नक्की झील। बिल्कुल आप सभी ने सही आंसर कमेंट में कमेंट किया। आप सभी का सही आंसर है कि राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो है जयसमंद झील। प्यारे मित्रों, इस झील का दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए, तो इस झील का दूसरा नाम है ढेबर झील। बिल्कुल इस झील का दूसरा नाम है ढेबर झील, ठीक है। और अगली बात करते हैं तो यह झील है वो अपनी है इनकी इस झील के अंदर, इस झील में कौन सी झील में, जयसमंद झील के अंदर ही सात टापू है। कितने टापू है? सात टापू है। मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, वो आप साथ साथ नोट करते रहना। सात टापू में से बड़ा टापू, सबसे बड़ा टापू है, उसका नाम है बाबा का भागड़ा। बाबा का भागड़ा, बाबा का भागड़ा। और सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। क्या है? प्यारी। तो ये भी कुछ फैक्ट हैं कि बाबा का भागड़ा टापू कौन सी झील में, तो जयसमंद झील में। प्यारी टापू कौन सी झील में, तो जयसमंद झील में। कुल टापू कितने हैं? तो सात है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सेकेंड नंबर आज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो देखिए दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है, यानी कि प्राकृतिक झील की बात हो रही है, सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए ऑप्शन है आपके सामने, पुष्कर झील, जयसमंद झील, पिस्सोला झील या राजसमंद झील। तो इसकी बात करते हैं तो देखिए साथियों, इसके अंदर आपकी जो सबसे प्राचीन झील है, बिल्कुल सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक पुष्कर झील। बिल्कुल सही आंसर है। पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर के पास ब्यावर में, इनके अजमेर ज़िले में है ब्यावर के। और इस पुष्कर झील का निर्माण कैसे हुआ था, प्राकृतिक है इनकी अपने आप हुआ है, तो ये इस झील का निर्माण हुआ ज्वालामुखी से। किससे हुआ था? ज्वालामुखी से इस झील का निर्माण हुआ था। और इस पुष्कर झील के किनारे ही एक तो भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का। और एक ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी का भी मंदिर है। किसका मंदिर है? सावित्री जी का भी मंदिर है। ये भी इस बारे में फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो प्यारे मित्रों देखिए, ये दो सवाल अपने किए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है तीसरा। देखिए तीसरा सवाल आपके सामने ये है कि पचपदरा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बिल्कुल ये खारे पानी की झील है और इस झील से NaCl यानी कि NaCl, NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जो कि साथियों अपन खाने का नमक काम लेते हैं ना, उसके अंदर ये काम यही होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो जो साधारण नमक होता है या सोडियम क्लोराइड होता है ना, वो इस झील से मिलता है सबसे अधिक। तो राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादक झील है पचपदरा झील है, जो जिसमें NaCl मिलता है सबसे अधिक मात्रा में। ये झील है कहाँ पर? तो इस झील की देखो, बाड़मेर, पाली, जयपुर, नागौर। तो आप सब ने इस झील के बारे में सुना है और सभी का सही आंसर है, आप सभी ने सही कमेंट किया कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, बाड़मेर के अंदर यह झील स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, कौन से खारे पानी की झील नहीं है। प्यारे मित्रों, हम गलती प्रश्न पढ़ने में अक्सर कर देते हैं, खारे पानी की झील पढ़ा और सांभर लगा लेते हैं। प्रश्न पूरा पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर एक सांभर, ऑप्शन नंबर दो पचपदरा, ऑप्शन नंबर तीन कायलाना और ऑप्शन नंबर चार लूणकरण सर। तो सांभर झील खारे पानी की झील है, कहाँ पर स्थित है? तो
जयपुर में स्थित है आपकी साथ ही सांबर झील, जयपुर के पास फुलेरा में। पचपदरा झील की बात करें तो ये आपकी बाड़मेर में स्थित है, इनकी बाड़मेर जिले में है। और कायलाना झील की बात करें तो ये जोधपुर जिले में है। और लूणकरणसर झील की बात करें तो ये आपकी बीकानेर जिले में है। कौन से जिले में है? तो ये है आपकी बीकानेर जिले में, बीकानेर। अपने को प्रश्न ये पूछा है कि कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, तो सांबर झील खारे पानी की झील है। यहाँ से सोडियम सल्फेट मिलता है, क्या मिलता है? सोडियम सल्फेट मिलता है ज्यादा मात्रा में, सोडियम सल्फेट। और कितना मिलता है इसकी भी बात करूं तो साथियों, 1 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर की जो जमीन होती है ना झील की, इस इतने क्षेत्रफल से 60,000 टन सोडियम सल्फेट मिलता है। कितना मिलता है? 60,000 टन मिलता है सोडियम सल्फेट, 60,000 टन। 1 मिनट, 60,000 टन सोडियम सल्फेट मिलता है 1 किलोमीटर स्क्वायर से, ठीक है। ये भी सांबर झील का फैक्ट है। तो सांबर झील जयपुर में है, सोडियम सल्फेट मिलता है और 1 किलोमीटर स्क्वायर में से 60,000 टन ये सोडियम सल्फेट निकलता है। लेकिन अपने को पूछा है खारे पानी की झील नहीं है, पचपदरा भी खारे पानी की है, लूणकरणसर खारे पानी की है, लेकिन साथ ही जो कायलाना झील है ये खारे पानी की झील नहीं है। बिल्कुल सभी का सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही था सभी का। आगे देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। पिछली बार था खारे पानी की झील नहीं है, अब की बार है खारे पानी की झील है। फतेह सागर, आना सागर, पचपदरा, पिछोला। तो फतेह सागर झील आपकी है उदयपुर में, और आना सागर झील है आपकी अजमेर में, और पचपदरा झील है आपकी बाड़मेर में, और पिछोला झील है साथियों वो है आपकी उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। अब आपको यहाँ पूछा है खारे पानी की झील है तो फतेह सागर झील है जो वर्षा ऋतु में भरती है और ये मीठे पानी की झील है। आना सागर झील है जो अजमेर में, ये भी मीठे पानी की झील है। अर्णोराज जी ने इसका कार्य किया था, अर्णोराज के राजकाज में ये बनाई गई थी। और पचपदरा झील है ये आपकी बाड़मेर में है और यहाँ से नमक मिलता है, तो ये आपकी हो जाएगी खारे पानी की झील। और पिछोला झील उदयपुर में है, ये भी वर्षा ऋतु पर आधारित है, तो ये भी मीठे पानी की झील है। तो इसका सही आंसर रहेगा खारे पानी की झील का ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही आंसर है 3 नंबर, पचपदरा झील खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6 कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया भी था। देखिए डीडवाना ये आपकी है नागौर में, सांबर ये है आपकी जयपुर में, लूणकरणसर ये है आपकी बीकानेर में, और पचपदरा ये है आपकी बाड़मेर में। चारों झीलें हैं जो खारे पानी की है, लेकिन अपने को यहाँ बताना है सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करनी है। तो सबसे बड़ी आपकी खारे पानी की झील है वो है सांबर, ठीक है। इनकी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देखिए अगली बात करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है 7वां क्वेश्चन जो इस प्रकार से है। 1 मिनट में क्वेश्चन सही पूरा सेट कर देता हूँ, ठीक है। 7वां क्वेश्चन ये है कि राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने मेवाड़ के भीषण अकाल के समय राहत कार्यों के अंतर्गत कब कराया था। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि जो राजसमंद झील है ना, उस झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कराया था और अकाल के समय कराया था, वो समय कौन सा है? 1605 ईस्वी, 1610 ईस्वी, 1615 ईस्वी, और ये चौथा ऑप्शन मिस प्रिंटिंग है, यहाँ करो आप 1622 ईस्वी। ये है 4 ऑप्शंस, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सभी ने सही आंसर दे दिया है,
जो ऑप्शन नंबर चार है 1622 ईस्वी, ये इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जो पिचोला झील है, इस पिचोला झील का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन नंबर एक महाराजा उदय सिंह, ऑप्शन नंबर दो महाराजा जय सिंह, ऑप्शन नंबर तीन महाराजा लाखा के काल में एक वंजारे ने, ऑप्शन नंबर चार उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल देखिएगा, आपके सामने है पिचोला झील, और इसका निर्माण की बात करें तो महाराजा लाखा के काल में एक वंजारे ने कराया था। इनकी ऑप्शन नंबर तीन सभी का सही आंसर है। बिल्कुल, इसका आंसर नंबर तीन सभी का सही है। आगे देखिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, बिल्कुल साथियों कृत्रिम झील की बात हो रही। अब की बार एक अभी प्रश्न आया था पीछे प्राकृतिक झील, ये है कृत्रिम झील। तो कृत्रिम झील का मतलब होता है मानव निर्मित, किसके द्वारा? मानव के द्वारा उस झील का निर्माण किया गया हो। मानव निर्मित झील की बात हो रही है, तो देखिए, तो कौन सी झील है जो मानव के द्वारा बनाई गई है और प्राकृतिक झील है, सॉरी कृत्रिम झील है? तो देखिएगा, मानव निर्मित, ठीक है। तो राजसमंद, नक्की झील, जयसमंद झील या कायलाना झील, बिल्कुल सभी साथी जल्दी से कमेंट कीजिए सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो नाइन्थ नंबर का आपके सामने सही आंसर रहेगा जयसमंद झील। बिल्कुल, जयसमंद झील एक कृत्रिम झील है और ये सबसे बड़ी झील है। ठीक है, आगे देखिए, आज का 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की है? इनकी इन चार झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की है? तो सांबर झील, ढेबर झील, फलोदी झील, डीडवाना झील। तो प्यारे मित्रों, आप क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके सामने जो ऑप्शन थे, आप ऑप्शन काटना शुरू करें तो सांबर झील खारे पानी की आपने पढ़ रखा है, डीडवाना झील खारे पानी की आपने पढ़ रखा है। अब आपके सामने दो झील है, ढेबर झील और फलोदी झील, और फलोदी झील साथियों ये भी खारे पानी की है, और ढेबर झील इनकी, इसका भी मैंने आपके पीछे डिस्कस किया भी था कि जो हमारी जयसमंद झील है ना, उसे हम ढेबर झील कहते हैं और ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये हमने अभी पीछे डिस्कस किया भी था। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार मैं ठीक कर देता हूँ इस प्रॉब्लम को। जयसमंद झील, ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले 11वें प्रश्न की ओर। तो 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है, यानी कि मीठे पानी की नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, पंचपदरा, सिलिसेड, फाईसागर, जयसमंद। तो आप सबने क्लिक कर लिया, बिल्कुल सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक पचपदरा झील, जो कि खारे पानी की है, मीठे पानी की नहीं है, बाकी तीनों मीठे पानी की झीलें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 12वां आपकी स्क्रीन पर है कि आना सागर झील किस जिले में स्थित है? अभी मैंने आपके सामने इसका डिस्कस किया था, तो आपके लिए ऑप्शन है टोंक, अजमेर, झालावाड़, उदयपुर। बिल्कुल सभी ने सही क्लिक किया, यह आना सागर झील अजमेर में स्थित है। 1167 में इस झील का निर्माण हुआ था और कराने वाले थे हमारे अर्णो राज, कौन थे? अर्णो राज। और इसी झील के अंदर शाहजहाँ ने दौलत बाग की स्थापना की थी, और आज उस दौलत बाग को क्या कहा जाता है पता है आपको? क्या कहा जाता है? सुभाष उद्यान। क्या कहा जाता है? सुभाष उद्यान। ठीक है, ये इस झील के बारे में कुछ फैक्ट है जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। चलिए अगला 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील, जयसमंद, राजसमंद, लूणकरणसर, पिछोला। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर पकड़ लिया, सभी ने सही कैच किया है कि जो जयसमंद झील है वो मीठे पानी की है, राजसमंद है वो भी मीठे पानी की है, और पिछोला है वो भी मीठे पानी की है। और लूणकरणसर झील नाम से भी बताया कि ये खारे पानी की झील है, जो कि बीकानेर में, जिससे इस झील के
पानी से, और इस झील की जो नमक है उससे बीकानेर की नमकीन टेस्टी बनती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 14 की नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागौर, पाली, जालौर, सिरोही। बिल्कुल इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कीजिएगा, नक्की झील कहां पर स्थित है। फिर इसमें इसके फैक्ट, बहुत बढ़िया, सभी ने सही कैच किया, सिरोही में यह झील स्थित है। और इतिहास में कहा जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया, देवता ने नाखून से खोद कर किया, ठीक है, ये झील का इसका इतिहास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन है आपके सामने है कि निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील है? डीडवाना नागौर खारे पानी की है, पचपदरा बाड़मेर खारे पानी की है, फलोदी फलोदी में ये भी खारे पानी की है। तो फिर मीठे पानी की कौन सी रही? नौलखा झील मीठे पानी की झील है। और ये कहाँ पर स्थित है तो इसकी बात करें तो ये आपकी है बूंदी में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपके सामने है कि नौलखा झील किस जिले में स्थित है? अभी मैंने डिस्कस कर रखा है, 12 बूंदी, दौसा, टोंक। तो बिल्कुल सभी ने पीछे वाला क्वेश्चन का जस्ट मेरे द्वारा डिस्कस किया गया, आपने कैच किया, बिल्कुल सही कहा कि यह झील बूंदी जिले में स्थित है, वेरी गुड। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लोणकरणसर। सभी ने सही किया, मैंने इसका पूरा डिस्कस कर रखा है, सांबर झील, रिपीट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर है सांबर झील। आगे देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं, 18वां है कि नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? इस झील का देखिए ऑप्शन आपके सामने, आना सागर, पिचोला, फतेह सागर, राजसमंद। बहुत बढ़िया, सभी ने, कुछ कुछ विद्यार्थी चूक रहे हैं लेकिन बाकी ना सभी ने सही आंसर दिया है, फतेह सागर, जिसमें नेहरू गार्डन स्थित है, बिल्कुल सभी का सही आंसर है फतेह सागर, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, अगला आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 19वां, जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर जिले में स्थित नहीं है? जयसमंद, फतेह सागर, पिचोला, आना सागर। क्या बात है, सभी दोस्त कैच कर रहे हैं, ये तीनों झीलें जो कि उदयपुर में है, लेकिन आना सागर झील अजमेर में है, उदयपुर में नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। आगे देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, मावटा नामक झील कहाँ स्थित है? उदयपुर, आमेर, अलवर, बंद बेरठा। तो साथियों, इसका सही आंसर सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया, बहुत अच्छा, सभी का सही आंसर आ रहा है कि मावटा झील आमेर में स्थित है, कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। तो आज के ये 20 क्वेश्चंस आपके सामने परोसे गए, इस क्वेश्चन सीरीज का आनंद आपने उठाया, आपको पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि आपके मित्र भी इस सीरीज़ का आनंद उठा सके। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत।